हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनी है और यूट्यूब पर मुझे विलेज गर्ल सोनी नाम से पहचाना जाता है। मैं बिहार की रहने वाली हूँ और हाल ही में मेरा सिलेक्शन प्रोविजनरी ऑफिसर के तौर पे बैंक ऑफ इंडिया और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में सिलेक्शन हुआ है। अभी मैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में PO के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने अपना प्रिपरेशन 2013 में स्टार्ट किया था और मेरा सिलेक्शन 2021 में हुआ, यानी कि पूरे आठ साल मुझे लग गए अपने ड्रीम को पूरा करने में और अपना सक्सेस का स्वाद चखने में। तो आखिरकार मुझे 8 साल क्यों लगे हैं? ऐसी कौन सी बातें थी जिसने मुझे 8 साल तक मोटिवेट रखा? इन 8 सालों में अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स टूट जाते हैं, प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, लेकिन मैं ऐसा क्या रीजन था जिसके कारण मैं लगी रही? बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारी फेलियर्स देखी। लगभग मैंने 60+ फेलियर्स देखे हैं अपने इस 8 साल के जर्नी में। और फेलियर्स नहीं बोलूँगी मैं इसे लर्निंग पीरियड बोलूँगी कि हर एग्ज़ाम में मैंने कुछ ना कुछ सीखा और हर अपनी फेलियर से कुछ ना कुछ सीखते 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 आज मैं एक नहीं बल्कि दो बैंक्स में प्रोविजनरी ऑफिसर के तौर पर सिलेक्शन मेरा हुआ। तो 2013 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। उस समय मेरा बेसिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मेरी प्रॉपर स्कूलिंग कभी नहीं हुई। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ तो मेरी प्रॉपर स्कूलिंग कभी नहीं हुई। मेरे घर में भी कोई ना तो गवर्नमेंट जॉब में है ना तो कोई मुझे गाइड करने वाला था। बस मुझे था कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है तो बस चल पड़े ऐसे, बिना किसी सोर्स के, बिना किसी गाइडेंस के चल पड़े, निकल पड़े। तो 2013 में मैंने स्टार्ट कर दिया। उस समय मुझे कुछ भी नहीं आता था, ना तो मुझे जोड़ आता था, ना ही घटाव आता था, ना ही मल्टीप्लिकेशन आता था, ना ही रीजनिंग का कुछ भी पता था। बस मैंने नाम सुना था कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये होते हैं कोई सब्जेक्ट और इनकी तैयारी मुझे करनी है। और सरकारी स्कूल में पढ़ने के कारण, या फिर आप बोलो कि स्कूलिंग कभी हुई ही नहीं, तो इसके कारण मेरी इंग्लिश तो मतलब 0 से भी 0 थी, ऐसा आप बोल सकते हो। तो एक ऐसा बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया, जो काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में कमज़ोर है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं कभी भी ये अपने आप को नहीं बोलती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज थी। मैंने ये नौकरी बार बार प्रयास करके लिए, एक बार नहीं, जैसे होता है ना कि न्यूटन ने बल्ब का भी आविष्कार 1000 बार प्रयोग करके किया था, वैसे ही आप समझ लो कि मैंने एक कार्य को कम से कम 100 बार किया तब जाके मुझे ये सक्सेस हासिल मिला। तो ये मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा मेरे लिए तकलीफ दे रही थी। काफ़ी लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, काफ़ी लोग ने मुझे कमेंट मारे, निगेटिविटी बोला, काफ़ी ज़्यादा मैंने फेलियर्स देखा, बहुत ज़्यादा फेलियर्स देखे मैंने, 60+ मैंने फेलियर्स देखे। फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, एक लड़की जो कि पूरे 8 साल तक प्रिपरेशन कर रही है, उसके लिए कोई आसान बात नहीं थी। तो ये सारी बातें आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। तो 2013 में तो मैंने स्टार्टिंग कर दी। इसके बाद स्टार्ट करने के बाद मैंने फॉर्म डाला, फॉर्म डालने के बाद एग्ज़ाम सेंटर तक गई, एग्ज़ाम भी दिया। मालूम है मुझे इंग्लिश में कितने मार्क्स आए थे? मुझे मात्र 1 नंबर आए थे, मात्र 1 नंबर, और सारे सब्जेक्ट, तीनों चारों सब्जेक्ट को मिला के मुझे 6-7 नंबर ही आए थे। तो मैं इतनी ज़्यादा पढ़ने में कमज़ोर, बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में कमज़ोर। उसके बाद बेसिक मेरा बिल्कुल भी 0। इसके बाद मुझे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं, मेरे पास ना मोबाइल है, ना लैपटॉप है, ना इंटरनेट है, ना कोई कोचिंग है, ना ट्यूशन है। और मैंने ये सक्सेस जो हासिल की वो सेल्फ स्टडी से हासिल की, मैंने कभी कोई कोचिंग वगैरह नहीं लिया। तो उस हालात में तो फेलियर तो देखना ही था, है ना, क्योंकि सब कुछ तो ढीला ही है। तो मैंने भी फेलियर देखा, 2013 में एग्ज़ाम दिया, बुरी तरह से फेल हुई। फिर मैंने सोचा कि अभी तो ये स्टार्टिंग है, चलो 2014 में ट्राई करते हैं। 2014 में भी थोड़ा सा मैंने पढ़ाई किया,
लेकिन एक बच्चे के लिए जो कि कभी स्कूल भी नहीं गया, कॉलेज भी नहीं गया, उस बच्चे के लिए हर सब्जेक्ट पढ़ना, उसको स्ट्रॉन्ग करना, इतने ज़्यादा कंपटीशन में क्लियर करना बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा। मैं एक सब्जेक्ट पढ़ती थी तो दूसरा भूल जाती थी, दूसरा पढ़ती थी तो पहला भूल जाती थी। तो ऐसे मेरे साथ था, मतलब मैं, यकीन नहीं करोगे आप, मैं 15 15 16 16 घंटे पढ़ा करती थी। बहुत सारे लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं कि एक बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए 15 16 घंटा और लगातार 8 साल तक लगे रहना, पागल है ये लड़की और मंदबुद्धि है, ऐसा लोग मुझे बोलते हैं। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे बस ये लास्ट में हुआ कि अंत भला तो सब भला। तो इसके बाद मैंने 2014 में भी दिया, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। 2014 में भी मैंने सारे एग्ज़ाम्स दिए, RRB PO, RRB क्लर्क, IUPS PO, IUPS क्लर्क, SBI क्लर्क, SBI PO, सारे एग्ज़ाम में मैं फेलियर, सॉरी PO का मैं एग्ज़ाम उस समय नहीं देती थी, क्लर्क का ही देती थी, सारे एग्ज़ाम्स में बस फेलियर। तो फिर मैं बुक ही से पढ़ती थी, खुद से पढ़ती थी, बेसिक अपना सही करते रहती थी, जोड़ घटाव गुणा भाग इंग्लिश में सब सीखना, ग्रामर सीखना, यहाँ तक कि जो बच्चे अभी 4th 5th क्लास के ग्रामर बना लेते हैं वो भी मुझे उस टाइम पे नहीं आता था। लेकिन था मन में जुनून था कि लाइफ में कुछ करना है तो बस करना है। इसके बाद 2015 16 भी निकल गया, ऐसे मैं फेल होते रही। हालांकि मैं हमेशा अपना 16 17 घंटा वाला, 15 16 घंटा वाला जो कंटिन्यूटी था वो मैंने पूरे 8 साल तक बनाए रखा। मतलब एक इंसान पूरे 8 साल तक 16 15 ऐसे घंटे में पढ़े। मैं ये बार बार क्यों बता रही हूँ, क्यों इसलिए बता रही हूँ कि कोई अगर बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ने में कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा, और वो सोचता है कि मेरा जॉब नहीं होगा, तो ये उसकी भूल है। अपनी मेहनत के द्वारा और अपनी पेशेंस के द्वारा और लगातार प्रयास के द्वारा आप भी सक्सेस पा सकते हो। इस वजह से मैं बार बार बता रही हूँ कि मैंने 15 16 घंटे पढ़ाई की। फिर मैंने 15 16 में भी एग्ज़ाम दिया, फिर मैं फेल हो गई। और शुरू से मैं क्लर्क का ही फॉर्म डालती थी, मैंने कभी भी PO का फॉर्म नहीं अप्लाई किया, क्योंकि मेरे अंदर कभी हिम्मत ही नहीं थी PO का फॉर्म डालने की। मुझे पता था कि मेरी, आप एक, मैं बोलना चाहती हूँ वर्ड, मेरी औकात ही नहीं है PO बनने की। तो मैं हमेशा क्लर्क का ही प्रिपरेशन करती थी, कभी भी PO का मैंने प्रिपरेशन किया नहीं, कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मैं PO बनूंगी। मैं सोचती थी कि मेरा बेसिक वगैरह कुछ है नहीं, बस कैसे भी मेरे को क्लर्क बनवा दो भगवान, कैसे भी मेहनत करके मैं क्लर्क बन जाऊँ, उतने में ही मैं संतुष्ट हूँ। इस तरह से मेरा 15 16 17 भी बीत गया, और कभी 16 में फिर प्रीलिम्स आ गए। प्रीलिम्स यानी कि बैंकिंग में जो होते हैं प्रीलिम्स, और लॉन्च हो गया प्रीलिम्स दो फिर मेंस दो, हालांकि उस टाइम तक इंटरव्यू ख़त्म हो चुका था। तो फिर 2016 17 में प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं होता था क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा था, और मेरे को थोड़ा सा भूलने की भी बीमारी थी, एक सब्जेक्ट पढ़ो तो दूसरा भूल जाओ, दूसरा पढ़ो तो पहला भूल जाओ। तो एक सब्जेक्ट को, एक चैप्टर को मैं 50 50 बार पढ़ती थी, आप सोच लो 50 50 बार, जी हाँ मैं 50 50 बार एक सब्जेक्ट को पढ़ती थी, क्योंकि मुझे एक बार में कोई चीज़ें याद ही नहीं होती थी। अगर मुझे एक चैप्टर पढ़ना है तो कम से कम उसको मैं 50 बार प्रैक्टिस करती थी कि हाँ टाइम एंड वर्क पढ़ना है, तो एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, तीन बार पढ़ लिया, फिर 10 दिन बाद भूल जाती थी, तो फिर मेरे को बार बार रिपीट करना पड़ता था। तो इस तरह से मेरा 16 17 भी बीत गया, 18 भी बीत गया, 19 भी बीत गया, एक भी मैं मुझे सक्सेस हासिल नहीं हुआ। 18 से मेरा एक दो प्रीलिम्स क्लियर होना स्टार्ट हुआ, और जब से जियो आया इंटरनेट तब मैंने मोबाइल से स्टार्ट कर दिया पढ़ना, तो मेरा थोड़ा सा इम्प्रूव होने लगा, क्योंकि उसके पहले मैं बुक से पढ़ती थी अकेले चार दीवारी के अंदर, कोई बताने वाला नहीं, खुद से पढ़ो, खुद से रगड़ो, जो मन आए वो पढ़ो, तो दिशाहीन थी ना, दिशाहीन आप रहोगे, आपको जब पता ही नहीं होगा कि रास्ता आपका किधर जा रहा है और आप इधर 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 उधर जाओगे तो सक्सेस कहाँ से मिलेगा। तो जब इंटरनेट आया फिर मैंने सच में देखा कि हाँ सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, फिर मैंने इंटरनेट की सहायता से पढ़ना स्टार्ट किया।
तो फिर मेरा धीरे धीरे प्रीलिम्स से स्टार्ट हो गया क्लियर होना, लेकिन मेंस मेरा क्लियर नहीं होता था। इस वजह से नहीं होता था कि इतने सारे साल हो गए थे, लगभग 5-6 साल निकल गए, काफ़ी लोग मुझे निगेटिव बोलने लगे कि बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग का तो होता नहीं है, तुम मंद बुद्धि का कहाँ से होगा। ऐसे लोग मुझे बहुत ज़्यादा ताने मारने लगे कि बड़े बहुत बड़े बड़े पढ़ने वाले हैं, उनका तो जॉब हुआ नहीं, तुम मंद बुद्धि, कभी स्कूल नहीं गई, कुछ तुमको आता है तुम्हारा होगा, और लड़की हूँ तो शादी का भी प्रेशर दबाव ये सब आने लगा। तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा भावना आने लगी कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो जो मैंने सबके अगेंस्ट में जाके जो मैंने स्टार्ट किया था जर्नी, तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये डर मेरे अंदर इतना ज़्यादा भर गया कि क्वेश्चन आते हुए भी मैं एग्ज़ाम में नहीं कर पाती थी। मैं वहाँ पे ये सोचने लगी थी हमेशा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। ऐसे करते करते मेरे अंदर इतनी निगेटिविटी आ गई कि 15-16 घंटा की वजह की जगह मैं पूरे रात रात झगने लगी कि मुझे कैसे भी सिलेक्शन लेना है, नहीं तो लोग मुझ पर हंसेंगे, है ना। और बहुत सारी निगेटिविटी भी अंदर आ गई मेरे अंदर। फिर धीरे धीरे यही जर्नी चलती रही, मैं बार बार फेलियर होती रही निगेटिविटी के कारण, और लास्ट में क्या हुआ कि मेरा एज ख़त्म हो गया क्लर्क का, मैं 28 साल की हो गई, 28 साल की। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मात्र मैं 20 साल की थी, और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्लर्क में, मेरा 28 साल पूर गया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 28 साल की मैं हो गई अपने आप से लड़ते हुए, सारी चीज़ों को ओवरकम करते हुए, बेसिक मेरा सही नहीं था वो सही किया मैंने, खुद से पढ़ा, यहाँ तक कि नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरा मैंने इन 8 सालों में किया पूरा। होता है ना कि कोई बच्चा को कुछ नहीं आता, वो सारी चीज़ें मैंने इन 8 सालों में सीखी, लेकिन सीखते सीखते मेरा एज ख़त्म हो गया, सीखते सीखते मेरा एज ही ख़त्म हो गया कलर का। आप मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी पीओ का फॉर्म भी अप्लाई करूंगी या फिर कलर के आगे भी मैं पीओ बन सकती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रोई जब मेरा एसबीआई कलर मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, और मुझे उस दिन फील हो गया कि ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम सेंटर में पे डेस्क पे बैठ के मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत ज़्यादा। और फाइनली जो 8 साल की जर्नी थी वो ख़त्म हो गई थी मेरी, एसबीआई कलर लास्ट एग्ज़ाम था मेरा और वो मेरा लास्ट एज था। अक्टूबर में मेरा रिजल्ट आया और मैंने पाया कि इसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं बहुत ज़्यादा रोई कि मेरा 8 साल का मेहनत वेस्ट हो गया और अब लोग मुझ पर बहुत ज़्यादा हंसेंगे या फिर मेरी आगे की भी फ्यूचर मैंने बर्बाद कर दी। क्योंकि एक लड़की जो 28 की हो गई है तो 28 साल मैटर करता है एक लड़की के लिए। फिर मेरा एक दोस्त, उसने मेरा पीओ फॉर्म अप्लाई कर दिया, उसने बोला कि आप तुम दो एग्ज़ाम दो, क्या हो गया क्लर्क नहीं हुआ तो पीओ होगा तुम्हारा। मैं बोली कि जब मेरा क्लर्क नहीं हुआ तो पीओ कैसा होगा मेरा सिलेक्शन, और एसबीआई क्लर्क के टाइम में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा, पूरे साल मैंने खुद को अपना खून पसीना एक कर दिया था क्योंकि वो मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसने मेरा फॉर्म डाल दिया था, अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद मैं बिना मन के प्रीलिम्स देने गई, तो ये 8 साल का जो मेरा नॉलेज था वो काम आ गया, आरआरबी पीओ और बैंक ऑफ इंडिया के तौर पे। होता है ना कि अगर आप दिल से मेहनत करो ना तो भगवान भी आपका साथ देते हैं, वही चीज़ मेरे साथ हो गया। मैंने इतनी शिद्दत से मेहनत की थी, इतनी शिद्दत से अपना कलेजा और अपनी जान निकाल के लगा दिया था कि मुझे सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया।
मेंस भी मेरा क्लियर हो गया, जो मैंने 8 साल में सीखा, रीजनिंग क्वांट, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, वो सारा मेरा लास्ट में काम आ गया। और मेरी सारी वो मेहनत आरआरबी पीओ और बैंक ऑफ इंडिया पीओ एक साथ मेरा दोनों में सिलेक्शन हो गया। पूरी लाइफ मैंने कलर की तैयारी की, एक बहुत ही कम लेवल से तैयारी की और मेरा सिलेक्शन पीओ के तौर पे हो गया। तो मेरी कहानी से मैं बस आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आप लगातार लगे रहोगे और लगातार मेहनत करते रहोगे तो नॉलेज आपको गेन होते रहेगा, नॉलेज आप पाते रहोगे और वो नॉलेज किसी ना किसी मोड़ पे कहीं ना कहीं आपको काम करेगा और आपको सक्सेस मिलेगा। मैं जब बिल्कुल हार गई थी, पूरे बिल्कुल मैं हार गई थी, टूट गई थी, मुझे लगा कि अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है, तब जाके लास्ट स्टेज में मेरी जॉब लग गई। क्यों लग गई? क्योंकि मैं लगातार प्रयास करते रही, लगातार मैं मेहनत करते रही, लगातार मैंने कोशिश किया, उस चीज़ को मैंने छोड़ा नहीं। कभी ऐसा नहीं, मेरे दिल ने कभी ऐसा नहीं बोला कि तुमसे नहीं होगा छोड़ दो। मैंने हमेशा अपने दिल से पूछा, जब भी मेरे को छोड़ने का मन हुआ, कि क्या मैं नहीं कर सकती हूँ? दिल ने मेरे बोला कि तुम कर सकती हो, और मैंने उसकी आवाज़ सुनी और लगातार मैं प्रयास करती रही। तो आप लोग भी प्रयास करते रहो, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि नहीं होगा, बहुत सारी निगेटिविटी भी आएगी, अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो लोग आपको बोलेंगे भी कि तुम तो मंद बुद्धि हो, तुम्हारा नहीं होगा। बस आपको अपना अपने दिल से पूछना है कि आप कर सकते हो या नहीं, क्योंकि आपका दिल ही जो है आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है, वही आपको सही आंसर देगा। अगर आंसर हाँ में आया तो कोई कसर मत छोड़ना, कोई भी कसर, चाहे लोग आप पे हंसे, चाहे आपको निगेटिव बोले, चाहे आपका मजाक उड़ाए, कुछ भी करे, आप मत छोड़ना, आप लगे रहना, लगातार प्रयास करते रहना, सिलेक्शन आपको ज़रूर मिलेगा। मैंने अपने जर्नी में आपको ये सारी चीज़ें, निगेटिव चीज़ें ही अपने लिए क्यों बताई, क्योंकि सच में मेरे में वो कमियां थी। मैं कभी भी बहुत ही इंटेलिजेंट नहीं रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में कमज़ोर, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर। मैं अपनी स्टोरी से आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप सिलेक्शन ले सकते हो, बस मेहनत करते रहना, सिलेक्शन ज़रूर होगा।